Live, a platform to sharing your thoughts. सिटी लाइव टीवी के इस विशेष कार्यक्रम आठ डायलॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित कल्ला। आज हमारे साथ तीन विशेष मेहमान हैं उदयपुर से, जिनमें शैल चोयल साहब जो कि पेंटर हैं, बहुत अच्छे चित्रकार हैं, और भानु भारती जो हैं वो थिएटर से जुड़े हैं, थिएटर की एक बड़ी पर्सनैलिटी है, बड़ी शख्सियत है। और तीसरे हमारे साथ में जो जुड़े हैं उनका नाम है भार्गव मिस्त्री। आप तीनों ही किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप तीनों ही अपने अपने क्षेत्रों में धुरंधर हो माहिर हैं, अपने अपने क्षेत्रों के उस्ताद हैं। तो हम समय को जाया नहीं करते हुए आज अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम एस्थेटिक्स के बारे में आप तीनों से चर्चा करेंगे, आपकी जो रचना प्रक्रिया है उसको जानने की कोशिश करेंगे, उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि आप कलाओं के मार्फत कैसे आप अपने आप को एलिवेट करते हैं और सोसाइटी के साथ में अपने आप को कैसे कनेक्ट करते हैं, और एस्थेटिक्स का जो तत्व है उसकी जो दर्शनाएं है उसको आप कैसे समझते हैं और कैसे आप उनको खोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चोयल साहब से प्रश्न करना चाहूंगा, चोयल साहब से सीखना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, सर आप किसी भी चित्र की प्रक्रिया को कैसा देखते हैं और उसके जो सरोकार हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है चोयल साहब? देखिए, एक चित्रकार जो है वो समाज का एक प्राणी है और समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसे वो देखता है जी। अपने निरीक्षण के बाद में वो उसको अपने अंदर टर्न आउट करता है और उसके अंदर से कंसेप्ट निकलता है और उस कॉन्सेप्ट को वो चित्र में रूप देता है। और रचना प्रक्रिया में बहुत सारे दौर से कला गुजरती है और कभी कभी ये होता है कि हम जो जिस कॉन्सेप्ट को लेकर अपने एकदम अपने अंदर जब कर चुके हैं वो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसको चेंज करती है पिक्टोरियल एस्थेटिक्स। पिक्टोरियल एस्थेटिक्स में हम जब जिन प्लास्टिक एलिमेंट्स को यूज करते हैं उन एलिमेंट से वो चित्र संरचना होती है, उनके सारे समावेश थे। तो इसलिए ये बड़ा आवश्यक है कि हम जो कुछ देखते हैं उसको मन के अंदर उतारते हैं और उसको अपनी रचना प्रक्रिया से साथ साथ समाहित करते हैं, तब एक चित्र रूप लेता है। दरअसल सर मेरा अगला उसी में एक प्रश्न था कि वो आप इस प्रक्रिया के मार्फत कैसे गुजरता महसूस करते हैं, मतलब उसके जो सरोकार हैं वो उनको आप कैसा देखते हैं, उन सरोकारों के साथ में कैसे हम जुड़ता हुए पाते हैं अपने आप? अब देखिए, मुझे पता नहीं आपको ये पता है कि नहीं, लेकिन मैं उन कलाकारों में से हूं जिन्होंने बहुत 70 के दशक में आरंभिक समय में मैंने और एक दो और मित्र हैं राजस्थान में जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला में अंतर्निहित जो एस्थेटिक एलिमेंट्स थे जो कंटेम्पररी आर्ट में भी उतने ही पैरेलल बैठते हैं, उन एलिमेंट्स को ढूंढा और ढूंढ कर मिनीचर से हमने अपना विषय उठाया। लेकिन कोशिश ये थी कि उसको कैसे समसामयिक रखें, क्योंकि हम जिस समय में रह रहे हैं वो समय वो नहीं है जहाँ राजा रानी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और महलों के नीचे जो है कोई आपका जुलूस निकल रहा है और उसको देख रहे हैं। तो जो मुगल काल से लेकर और बाद में अपने डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिटिश पावर तक जो कुछ भी कला हमारे यहाँ पर की गई थी उस कला में अंतर्निहित सौंदर्य को हमने पकड़ा, उन एलिमेंट्स को पकड़ा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मल्टी टीयर पर्सपेक्टिव है कि आपको यहां पर भी कोई किस्सा नजर आ रहा है, वहां भी नजर आ रहा है, वहां भी नजर आ रहा है, वहां भी नजर आ रहा है। तो एक छोटे से स्पेस के अंदर वो बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी, नरेट कर दी। तो ये नरेशन वहां से जरूर पिकअप किया, लेकिन नरेशन हमने अपनी तरफ से किया और विषय भी मेरे अपने थे, मेरे जो सरोकार थे उस समय के अंदर
जो है, मैं अपनी पत्नी से प्रेम में था, हमारी शादी नहीं हुई थी, तो हम जहां जहां भी मिलते थे वो सारे स्पॉट्स मेरे पेंटिंग के बैकग्राउंड बन गए। अब वो जो बैकग्राउंड्स बने, उन बैकग्राउंड्स के अंदर उदयपुर को जैसा मैं देखता हूँ, यहाँ नहर है, यहाँ झीले हैं, यहाँ की प्रकृति है, इन इस प्रकृति के बीच में, और एक्चुअल स्पॉट्स को पेंट करता था मैं, लेकिन उसको मिनीचर की तरह ट्रीट करता था मटीरियल पर्सपेक्टिव। तो अपने सरोकार ये हैं कि मेरे अपने विषय अंदर से निकल रहे थे कि मैं कहाँ कहाँ मिलता हूँ, कैसे कैसे मिलता हूँ और वहां का क्या वातावरण था। उस वातावरण को मैंने मिनीचर से थोड़ा सा लिया, मिनीचर का मतलब मैंने जो प्राचीन चित्रकार जिस तरह से इतना बारीक काम करते थे उसमें नहीं, क्योंकि मैं ऑयल में पेंट कर रहा था, तो उस ऑयल मीडियम की एक रेस्ट्रिक्शन है, एक लिमिटेशन है, तो उन लिमिटेशन के अंदर मैं कैसे अपनी परंपरागत कला को अपनी समसामयिक परिस्थितियों के अंदर कैसे उसमें से निकाल के ला सकता हूँ, और ये मैंने किया और आज जिन तक कर रहा हूँ। केवल मेरे विषय बदलते जाते हैं, प्रेजेंटेशन का तरीका बदलता जाता है, लेकिन ये मेरा मुख्य सरोकार रहा है। धन्यवाद चोयल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह से हमको जो सरोकारों से आपने मुखातिब किया, रूबरू करवाया। मैं भानु जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। भानु जी नाटक करते हैं, नाटक लिखते हैं, थिएटर से बरसों से जुड़े हैं, आपने उस थिएटर में आप रचे बुने हैं। भानु जी, थिएटर के अलावा भी बहुत सारी सभी जो कलाएं हैं उससे आपका वास्ता रहा है, आप उसको जानते हैं, आपकी मर्मज्ञता है उसमें। तो मैं एक होलिस्टिक प्रश्न भानु जी से करना चाहूंगा, जो कि सभी कलाओं पर, जिसका जिसका दायरा सभी कलाओं को छूता है। तो भानु जी, कला जो अभिव्यक्ति है, जो कला की जो अभिव्यक्ति है, वो यथार्थ है या किसी कल्पना का विस्तार है? और इसी में एक दूसरा प्रश्न है कि उसकी जो अंतर वस्तुएं हैं उनको अगर हम टटोलें तो हम क्या पाएंगे? भानु जी, आपसे प्रश्न। देखिए, सवाल तो ये है कि यथार्थ से हम क्या आशय लेते हैं। अब कहने को तो लोगों ने कहा है कि जो आंखों से नहीं दिखता वो यथार्थ नहीं है, एक सहज समझ यथार्थ की ये है। दूसरी तरफ लोगों ने कहा कि जो दिख रहा है सब माया है और ये यथार्थ नहीं है, ये एक स्वप्न है। तो यथार्थ और स्वप्न के बीच जब से व्यक्ति ने होश संभाला और जब से हम एक सामाजिक उसमें रहने लगे और एक सामाजिक समझ और फिलोसॉफिकल सवाल कि हम कौन है, ये जो दुनिया है ये क्या है, और अगर ये है तो ये क्यों है और हम क्यों हैं, तो अब गालिब जैसे आदमी तक को ये कहना पड़ा कि जब कुछ ना था तो खुदा था, जो ना कुछ होता तो क्या होता, मिटाया मुझको होने ने, जो ना मैं होता तो क्या होता। तो ये सवाल जो आप कर रहे हैं ये बड़े बहुत ही गहरे सवाल हैं और उनका उत्तर आदमी निरंतर खोज रहा है, आज भी खोज रहा है। एक चीज जो देखिए, रंगमंच का अंतर संबंध तमाम कलाओं से, वो चाहे चित्रकला हो, चाहे संगीत हो, नृत्य हो, स्थापत्य हो, सभी, और नाट्य शास्त्र में इस बात को बहुत पहले कह दिया गया था कि ये सारे जो कलाएं, सारी कलाएं उनका एक सम्मिश्रण है। और मैं इसको अपने तय इस तरह से कहता हूं कि थिएटर इज ए ग्रेट मेल्टिंग पॉट, जहां सारी कलाएं आकर के आपस में एक दूसरे से इस तरह गुंथ जाती हैं, इस तरह से एक मेक हो जाती हैं कि उन्हें फिर अलग से पहचानना संभव नहीं होता। अब जैसे आप जब संगीत सुनते हैं तो आप
संगीत को एक तरह से समझने की स्थिति में होते हैं। जब आप एक चित्र को देख रहे होते हैं तो वो चित्रकला की तरह से उस चित्र को आप देख रहे होते हैं, लेकिन वही संगीत जब नाटक में आता है, जब मंच पर आता है, नाट्य मंच पर आता है, तो वो अलग से पहचाना नहीं जाता, वो उस नाट्य प्रक्रिया का एक हिस्सा होकर के उसमें आता है। इसी तरह से चित्रकला भी वो अलग से वहां पर आपको नहीं नजर आती, लेकिन वो वहां मौजूद होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि थिएटर इज ए ग्रेट मेल्टिंग पॉट, जहां न सिर्फ सारी कलाएं बल्कि जितना मानवीय ज्ञान है, चाहे वो फिलोसफी हो, समाजशास्त्र हो, राजनीति हो, ये सब भी उसका एक हिस्सा होते हैं, क्योंकि रंगमंच वर्तमान में अवस्थित होता है, उसका ना कोई भूत होता है ना कोई भविष्य होता है, वो वर्तमान में स्थित होता है, और उसमें भूत या भविष्य के केवल इंगित होते हैं, वो वहां पर उस तरह से प्रेजेंट नहीं होता, वो अपने समय में अवस्थित है। और दूसरी बात, अब देखिए कि चित्रकला एकाकी साधना है। शैल चोयल जब चित्र बनाते हैं तो वो अपने स्टूडियो में अकेले कैनवास के साथ जूझ रहे होते हैं, रंगों के साथ जूझ रहे होते हैं, और उस स्पेस और उस टेक्सचर और उस लाइट और उस सब के साथ उनका जो अंतर संबंध बनता है, लेकिन वो अंततः एकाकी कला है। और जब हम चित्र देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये शैल चोयल की पेंटिंग है। इसी तरह से संगीत भी मोर ऑर लेस संगीत प्रदर्शनकारी कला है, नृत्य प्रदर्शनकारी कला है, लेकिन उसके बावजूद एकाकी साधना ज्यादा है, सामूहिकता उसमें उतनी नहीं है जितनी रंगमंच में है। तो रंगमंच जो है वो एकाकी साधना कतई नहीं। भानु जी, अभी आपने भानु जी एक मैं छोटा सा आप इंटरप्ट करना चाहूंगा, अभी आपने नाट्य शास्त्र की बात की, जो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र था, तो नाट्य शास्त्र के जो विभिन्न पहलू हैं उनको आप जो आधुनिक नाटकों में कैसा रिश्ता हुआ पाते हैं, आज के जो नाटक हैं कंटेम्प्रेरी जो ये है कि जो आधुनिक भारतीय नाटक है उसका भरत मुनि के शास्त्र से बहुत कम संबंध या लगभग ना के बराबर। अब देखिए कि वहां पर जो एस्थेटिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट है भरत मुनि के, वहां वो रस सिद्धांत है, और हमारा जो शास्त्रीय संगीत है जो आज भी, या जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो आज भी रस सिद्धांत से, और उसकी जो एस्थेटिक्स है वो बहुत कुछ रस सिद्धांत से वो है, लेकिन हमारा काव्य, हमारी चित्रकला, हमारा नाटक उस रस सिद्धांत से बहुत अलग हो चुका है। आज जो नाटक हम कर रहे हैं वो उनमें उस रस सिद्धांत को, रस चौरी को आप उस तरह से नहीं देखेंगे, उसकी एस्थेटिक्स बिल्कुल बदल गई। और वो जो एस्थेटिक्स है, वो जो आधुनिक, मैं अगर केवल नाटक की चर्चा करूं तो आधुनिक नाटक पाश्चात्य से के प्रभाव से दोबारा से 18वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में पुनर् उसका अवतरण होता है नाटक का, और उसकी एस्थेटिक्स जो है वो वेस्टर्न से, और एरिस्टोटल का जो सिद्धांत था ट्रेजेडी का, वहां से वहां उसकी जड़ें थी, लेकिन वेस्टर्न थिएटर भी
उस एरिस्टोटल से काफी आगे बढ़ चुका था एस्थेटिक्स में, और नई नई स्थापनाएं हो रही थी चित्रकला के क्षेत्र में भी और नाटक के क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा। तो जब ये हुआ कि अब देखिए कि उस तरह से आधुनिक भारतीय नाटक का इतिहास बहुत लंबा नहीं है, सिर्फ 200 साल से वापस इसका अवतरण हुआ है। तो इस दौरान इतना आप कहिए कि 60 और 70 के दशक में आकर के लोगों को ये लगा कि अगर ये भारतीय रंगमंच है और तो इसकी भारतीयता की जड़ें कहाँ पर, ये इसकी पहचान हमें कहाँ, वो संस्कृत थिएटर से हम बहुत दूर जा चुके थे, उस तक वापस उससे जुड़ना एक लिविंग ट्रेडिशन के रूप में लगभग असंभव था। कुछ लोगों ने कोशिश की लेकिन वो बहुत दूर तक नहीं गई, लेकिन जो कोशिश दूर तक गई वो था जब हमने अपनी लोक कला शैलियों खासतौर से लोक नाट्य शैलियों की तरफ ध्यान देना शुरू किया 50-60 के दशक में, और उसके बाद खासतौर से 70 के दशक में आते आते हबीब तनवीर इस तरफ एक पायनियर थे जिन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि जितने वेस्टर्न, अब तब तक वेस्ट में जो वो आ रहे थे एब्सर्ड थिएटर या ब्रेक्ट या एलिनेशन थ्योरी, ये जितने भी आधुनिक पश्चिमी नाट्य सिद्धांत थे, तो जब हमने मुड़के उस पर्सपेक्टिव में उसमें हमने जब अपने लोक कलाओं को अपने लोक नाट्य शैलियों को देखा तो हमें लगा कि ये सब एलिमेंट्स, अब जैसे ब्रेक्ट का एलिनेशन का जो सिद्धांत है वो हमारे लोक नाट्य शैलियों में मौजूद है बरसों से, इसी तरह से एब्सर्डिटी एब्सर्ड थिएटर के जो सिद्धांत है वो हमारे लोक शैलियों में भरपूर मौजूद है। तो अब जो नाटक जो आज जो आधुनिक भारतीय नाटक है उस वो लोक नाट्य नहीं है, लेकिन उसकी अनुप्रेरणा लोक नाट्यों से है। शायद मैंने बहुत लंबी बात कर दी, अब हम ये बहुत जरूरी जरूरी है भानु जी, ये जो मंथन है, ये जो त्रयी आज हमारे सामने उपस्थित है, ये तीन जो लोगों के ये जो त्रिगुण हैं, तो इस त्रयी का ये मंथन है, तो ये ऐसी कोई समय की इतनी बाध्यता नहीं है, होते हुए भी बाध्यता नहीं है। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और मिस्त्री साहब की तरफ जाते हैं, भार्गव साहब जो कि संगीत के बहुत गहरे जानकार हैं, बहुत गहरे संगीत को जिन्होंने अनुभव किया है और डिजाइन के भी आप मास्टर हैं। तो डिजाइन और संगीत, इनकी जो जो दोनों की जो लय है सर, भार्गव सर, जो लय है संगीत में और डिजाइन में, इसको आप कैसा जुड़ता हुआ पाते हैं, इसके बीच में क्या इंटर रिलेटिविटी, क्या इसके फॉर्म्स एलिमेंट्स के भीतर जो जो एक एक, एक संवेदना है, उसको आपने कैसा अनुभव किया सर, इसको थोड़ा आप शेयर करें। थैंक यू अमित साहब, एंड मैं मतलब काफी गहराई से सुन रहा था चोयल साहब और पानो जी को, एंड आई वाज रियली कैरिड अवे बाय देयर वर्ड्स, दे वर वेरी इंस्पायरिंग। पर when it comes to my profession and my passion, fortunately they fall in the same field of arts, like say design and music. Music is a passion. In fact, I combine the two and I call it, it's my pro-passion. Okay. So, profession and passion. Passion. And they are synergistically related to each other. Now, कई बार मुझे ऐसा लग रहा है कि in fact, it's as it is. If you look at design could be any object. It could be this, it could be a glass or building, anything. Design has aesthetics, music has aesthetics. So, एक commonality हो गई।
design has ergonomics. By ergonomics, I mean something which is user-friendly, comfortable to use. Now, music also has ergonomics in it. Now, for example, in design, if I you know, make the size of this cup of totally a different size than my palm, then I'm not able to properly lift it. Means it's uncomfortable. So everything is based on anthropometrics of the human being. Likewise, in music, if I make a piece of music which has got a very high decibel sound, which has got no spaces in between, then it becomes ergonomically bad to listen to or not proper. तो ये जो एलिमेंट्स है, बेसिकली बेसिक एलिमेंट्स एस्थेटिक्स के, वो संगीत में भी है और डिजाइन में भी है. सिर्फ एक फर्क मुझे ये लग रहा है कि संगीत जो है उसमें भी एक स्ट्रक्चर है, एक मेलोडी है, मानो उसमें एक फॉर्म है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई जस्ट हम एनी ट्यून, उसका एक मुखड़ा होता है. मुखड़ा मीन्स इट्स स्ट्रक्चर. और डिजाइन में भी उसका शेप होता है. नाउ द डिफरेंस इज के संगीत के मुखड़े या संगीत के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें समय चाहिए. मतलब वो टाइम इंडिपेंडेंट है. अगर मुझे कुछ एक्सप्रेस करना है संगीत से, तो मुझे एक समय चाहिए, मानो 5 मिनट चाहिए, 6 मिनट चाहिए, डिपेंडिंग ऑन माय स्ट्रक्चर. पर डिजाइन जो बात है वो इट्स फ्रोजन म्यूजिक. आई कॉल इट्स फ्रोजन म्यूजिक. मतलब इट इज इन वन स्पेस एंड इट्स नॉट सो डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम. इफ आई से पेंटिंग आई कैन जस्ट गो एंड सी एंड विजुअलाइज एंड देयर आई एम, सो वंडरफुल. बट इफ आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस म्यूजिक इन द सेम वे, आई हैव टू स्पेंड टाइम इन द रियल टाइम टू अप्रिशिएट इट. दैट्स द डिफरेंस आई फाइंड बिटवीन द टू. थैंक यू भार्गव साहब, थैंक यू सो मच. जोयल साहब की तरफ हम रुख करते हैं. जोयल साहब जो चित्रकार हैं, जो थिंकर हैं, जो आर्ट को जिन्होंने बरसों बरस पढ़ाया है, तो एक ऐसा प्रश्न से मैं डील करना चाहूंगा जो जो मैं जानता हूं कि जो बहुत ही शायद वो मकबूल नहीं होगा पूछना, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा शैल साहब से कि सर, चित्रकला में जो आधुनिक और समकालीन ये जो दो टर्म यूज किए जाते हैं, तो आपकी दृष्टिकोण में आपके मतलब क्या उसके बारे में विचार हैं? जो आधुनिक है वो अलग है या समकालीन जो हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी को आप कैसा कैसा डिफाइन करते हैं जोयल साहब? देखिए, जो कुछ मैंने अभी तक समझा है आर्टिस्टिकी किताबों में भी यही कुछ लिखा हुआ है जो हमने समझाया है अभी तक, कि आधुनिक कला जो है ज्योतों के टाइम से एकदम से चेंज हुई. कला इतिहास के संदर्भ में जो ही ज्योतों के समय भी उन्होंने ग्रीक क्लासिकल्स की तरफ देखा और देखकर अपनी बात को दूसरी तरह से पेश किया, हालांकि वो उसी की कड़ी में था, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि सब आधुनिक कला तब से शुरू हो गई. लेकिन देखिए, जब ये इंप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट जो थे, प्रभाववादी कलाकार, व्हेन दे हैड उनके जब एक्सिस में जैपनीज प्रिंट्स आए, तब सबसे पहले वो चौंके थे कि आर्ट इतनी टू डायमेंशनल कैसे हो सकती है, क्योंकि सरफेस तो टू डायमेंशनल होती है पेंटिंग की, थ्री डायमेंशनल का तो इल्यूजन क्रिएट करते हैं हम लोग. जो ग्रीक काल से चला आ रहा था, 19th century, मिड 19th century तक चलता रहा वैसा का वैसा, यूरोप में, ईस्ट में नहीं. ईस्ट में और वेस्ट में इसी के डिफरेंस था कि हमारे यहाँ पर कलाकार ने वो कुछ पेंट नहीं किया जैसा का जैसा दिख रहा है, उसको देखा, मन में उतारा, मन में उतारने के बाद में जो उसके सरोकार थे उसके हिसाब से वो लेकर आया. वैसे विश्व भर के अंदर कला जो है, यानी 19वीं सदी तक भी हम माने तो या तो धर्म से जुड़ी हुई थी,
या राज्य से जुड़ी हुई थी, जो यहाँ पर भी था। केवल चीन का थोड़ा भाग छोड़कर कि चाइना के अंदर थोड़ी सी आर्टिस्ट को बिल्कुल सेंटली उससे देखा जाता था, एक डिफरेंट वातावरण था, लेकिन भारत में भी और जापान में भी और अपने छोटे छोटे जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज हों सब में जो है आर्ट टू डायमेंशनल थी और यूरोप की थ्री डायमेंशनल थी। इम्प्रेशनिस्ट ने हमसे सीखा, हमारी जैपनीज आर्ट को, इंडियन आर्ट को उन्होंने देखा एंड देवर सरप्राइज, उन्होंने वहां पर आंदोलन शुरू हुए। एक एक तबका ये कहता है कि मॉडर्न आर्ट यहाँ से शुरू हुई, एक तबका कहता है कि ज्योतिष शुरू हुई, लेकिन हम समसामयिक कला की बात करें या समकालीन कला की बात करें तो जिस समय में हम जी रहे हैं, अब देखिए कि जो कुछ भी उस मॉडर्न में आया, उत्तर आधुनिक में जो कुछ मॉडर्न ने पूरी पूरी फ्रीडम दे दी क्या कहीं से भी कुछ निकल कर, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं का तो पर्सनल होगा हर कलाकार। तो इसलिए मॉडर्न आर्ट तो हम हिस्टोरिकली बात तो इट स्टार्ट, लेकिन समसामयिक की बात करें तो वो आज के समय में, आज यानी अब 21वीं सदी में जो कुछ भी हो रहा है मैं उसे समसामयिक कहूंगा। मैं चाहे कैसा भी पेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी विषय पेंट कर रहा हूँ, आज पेंट कर रहा हूँ तो समसामयिक है। जरूरी नहीं है कि अगर चीन और भारत के बीच में जो है प्रॉब्लम चल रही है मैं उसके ऊपर पेंट करूँ, क्यों करूँ, मेरे सरोकार नहीं है अभी, मेरे सरोकार हो तो मैं वो पेंट करूंगा। तो समसामयिक वो है जो हम आज के समय में चित्रित कर रहे हैं, क्योंकि सारा संसार हमारे सामने खुला पड़ा है, पूरी दुनिया खुली पड़ी है, इंटरनेट ने सारी दुनिया को बिल्कुल नजदीक ला दिया है। तो अब कलाकार की अपनी अपनी सोच है कि वो क्या चाहता है। इसी प्रश्न को मैं भानु जी की तरफ, अगर मैं इसको थोड़ा सा पास ऑन कर दूं, तो भानु जी आप उन भारतीय नाटकों में जो आधुनिक कला किसे कहेंगे और थिएटर की दृष्टि से आप थोड़ा सा उसको समझाएं, इसी को जैसे चोयल साहब ने दृष्टि से समझाया। जब हम आधुनिकता की बात करते हैं तो उसके पीछे एक निश्चित दृष्टिकोण है, उसकी व्याख्या की क्या आधुनिक मॉडर्निटी, और अब तो हम मॉडर्निटी से भी आगे जाकर के पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करने लगे हैं। तो वो एक ये कि जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स, इट्स ए मॉडर्न कॉन्सेप्ट, स्लेवरी का खत्म होना एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। जब हम फ्यूडल सिस्टम से बाहर आकर के और जब हमने एक इकोनॉमिक उसको एक इस तरह के उसमें हम दाखिल हुए जहां व्यापार प्रमुख हो गया, जहां इकोनॉमी जो है उस वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई राज्य सत्ता से भी, तो उसके साथ साथ कुछ इस तरह के विचार भी आए कि जहां स्लेवरी या मानवीय दलन के लिए कोई स्थान नहीं है, ये मॉडर्निटी। और जो कंटेम्प्रेरी, मैं आज हूं तो मैं कंटेम्प्रेरी हूं, मैं समसामयिक हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं अपने दृष्टिकोण में मॉडर्न भी हूं, ये कतई जरूरी नहीं। मैं इस वक्त में होते हुए भी मॉडर्न नहीं हो सकता, मॉडर्न नहीं भी हो सकता। तो ये एक फर्क समसामयिक और उसमें हम लोग करते हैं। बाकी जैसा मैंने आपसे कहा कि रंगमंच तो अपने समय से व्यवस्था है, वो वर्तमान में अवस्थित है। जो आज आपने नाटक देखा वो कल असंभव है, वही वही स्क्रिप्ट होगी, वही अभिनेता होंगे, लेकिन दर्शक बदल जाएंगे और उसकी जो आवृत्ति है उसको आवृत्ति होते हुए भी उसका अनुभव वो नहीं होगा जो कल था। पिकासो का एक चित्र
जो हमने कल देखा था उसे हम आज फिर देखें तो वो उसी तरह से हमें दिखेगा, उसमें कुछ बदला नहीं। वो अपने उसमें एक समय जिस वक्त वो पेंट किया गया उसी समय में वो अवस्थित हो गया। लेकिन नाटक हर शाम घटित होता है और हर शाम उसका अंत हो जाता है। वो क्लीन स्लेट से शुरू होता है और क्लीन स्लेट पे खत्म होता है। तो ये एक अलग तरह का अनुभव है जो प्रदर्शनकारी कलाओं में, जो आज आपने एक राग किसी से सुना उसी व्यक्ति से आप 2 महीने बाद वो राग सुनेंगे तो वो अनुभव बहुत अलग होगा। और रंगमंच में तो ये हर शाम, मतलब आप लगातार अगर एक नाटक के 10, 20, 50 प्रयोग देखें तो भी आपको लगेगा कि ये कल से कुछ बदला हुआ है, ये एग्जैक्टली वही नहीं है, क्योंकि वो एक लिविंग आर्ट है। मैं जो कल था बायोलॉजिकली भी आज मैं वह नहीं हूं। मेरे शरीर के भीतर न सिर्फ मेरे विचारों में, न सिर्फ मेरे कॉन्शियस में, मेरे सबकॉन्शियस और मेरे बायोलॉजिकल उसमें भी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। जैसा मैं आज से 20 साल पहले दिखता था मैं आज वैसा नहीं दिखता, लेकिन अब उस 20 साल पहले भानु भारती और इस भानु भारती में क्या कोई समानताएं भी हैं या कोई, तो कुछ समानताएं तो निश्चित रूप से होती हैं जो आपके आपके उसमें, लेकिन आप निरंतर बदलते हैं और ये जिंदगी का जीवन का गुण है। मतलब जब आप बदलना छोड़ देते हैं तो वो मरण है। जब आप में किसी परिवर्तन की संभावना नहीं होती, और ये कला में कहा जाता है वो कलाकार का मरण है, जब वो अपने एक उसमें अवस्थित हो गया और उससे उसे तोड़कर, तो मतलब मेरा तो हमेशा से ये रहा है कि जो मैंने कल किया वो खत्म हो गया और आज जो मैं कर रहा हूं वो क्या है और वो उसकी क्या महत्ता है, उसका क्या महत्व है या नहीं है। और ये सवाल लगातार, आप यकीन मानिए कि मैं पिछले 50 सालों से रंगमंच से जुड़ा हूं और मैं जब रिहर्सल करने जाता हूं मुझे लगता है कि कोई नया नाटक जब मैं शुरू करता हूं मैं बिल्कुल अपने को एक वॉइड में पाता हूं, मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता। और जो पहली बार नाटक कोई शायद लगा होगा वो आज भी मुझे उतना ही वो लगता है कि ये, और उसको आपको धीरे 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 वो फिर आपके भीतर और दूसरे लोगों के साथ वो एक रूपाकार लेना शुरू करता है और वो बिल्कुल अलग होता है। तो मैंने जानबूझ करके सांचों को तोड़ा है, जो मैंने कल किया था वो आज मैं नहीं करना चाहता। सर एक अच्छा जो प्रदर्शन है, एक अच्छा जो रंगमंच है, एक अच्छा नाटक है, एक अच्छी प्रस्तुति है, उसे आप कैसा देखेंगे? मतलब एक अच्छा प्रदर्शन आप किसे कहेंगे? उसकी जो सौंदर्यात्मक प्रक्रिया है उसे कैसे समझा जाए, उसकी जो प्रविधियां है उसके आयामों को कैसे जाना जाए? भानु जी देखिए ये तो फिर बहुत लंबा प्रश्न, क्योंकि अब जैसा मैंने शुरू में कहा था कि सामूहिक कला है, ये एकाकी साधना नहीं है। अब आप देखिए कि रंगमंच में ही सिर्फ ये संभव है कि आप सवाल करें कि रंगमंच की मूल इकाई कौन है। नाटककार है, अभिनेता है, निर्देशक है या डिजाइनर है, कौन है? और फिर दर्शक जो है वो, मैंने कहा कि प्रदर्शनकारी कलाओं और खासतौर से रंगमंच में तो वो उसके बिना, क्योंकि जो नाटक बदलता है हर शाम वो इसलिए बदलता है कि दर्शक बदलते हैं और उन दर्शकों का प्रभाव उस मंचन पर पड़ता है।
मैंने अक्सर देखा है कि हमारे म्यूजिशियंस शास्त्रीय संगीतज्ञ आंख बंद करके गाते हैं या बजाते हैं, लेकिन थिएटर में आप आंख बंद करके अभिनय नहीं कर सकते, आपको आंखें खुली रखनी होती हैं और आपको लगातार इस बात के लिए होना होता है कि सामने लोग बैठे हैं और उनसे आपकी कनेक्टिविटी बराबर बनी है या नहीं बनी, और वो एक मिनट में पता चलता है। जैसे ही ऑडियंस से आपका ग्रिप खत्म होता है तो एक सेकंड में आपको पता चलता है कि ऑडियंस आपके हाथ से निकल रही है। और ये जो ऑडियंस हाथ से निकलने का, तो इसमें देखिए अच्छा और बुरा नाटक, मैं उसको मानता हूं कि कुछ फूहड़पन से लोगों को गुदगुदाने, उन्हें हंसाने, उन्हें चुटकुले सुनाने सुना करके उन्हें मतलब, और वो लगता है कि यही तरीका है दर्शक को अपने से जोड़ने या बांधने का। एक होता है कि जहां आप अपने भीतर और अपने दर्शक के भीतर एक गहरे एकात्म की तलाश करते हैं, बहुत, और वो संभव तभी होता है जब आप का जो नाट्य अनुभव है उसका सरोकार, उसकी रसाई आपके समय के साथ, आपके दर्शकों के साथ एक गहरे स्तर पर पैदा होती है। तो ये अच्छे और बुरे नाटक की मोटी मोटी परिभाषा मैं अभी इस सीमित समय में कर सकता हूँ। नहीं, नहीं, आपकी परिभाषा इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग है सर कि हमारे तो जो है वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो 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 नाट्य अनुभूति या जो जो जिन 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 टर्मिनोलॉजीज का आपने जिक्र किया या जिन अनुभवों की जो बात की, जिन अनुभवों को आपने विस्तार दिया, वो बहुत बेहद सूक्ष्म है और जो बहुत ही जो गतिशील भी है वो, और वो टच करते हैं, वो मार्मिक है। मैं मिस्त्री साहब की तरफ जाना चाहूंगा। भार्गव साहब, एक प्रश्न आ रहा था मन के अंदर कि इंडियन जो टर्मिनोलॉजी है म्यूजिक की, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं म्यूजिक का, तो वहां पे दो टर्म्स आते हैं, देयर आर टू टर्म्स, वन इज मार्गी एंड अनदर इज देसी, मार्गी एंड देसी। तो सो हाउ कुड यू फाइंड देम कनेक्टेड, आप कैसे उनको जुड़ता हुआ पाते हैं? मतलब इसको अगर और हम सरल भाषा में कहें तो एक तो लोक है जो भव है और दूसरा जो है वो क्लासिकल है, तो इन दोनों का जो फोक, लोक और क्लासिकल को आप कैसा जुड़ता हुआ पाते हैं? इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कौन सी ऐसी ट्यून्स है जिनको आप पाते हैं और जो प्रेरक हैं हमारे हम सब के लिए? सही बात नहीं, ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फोक म्यूजिक जो कहते हैं, फोक म्यूजिक जनरली कोई भी रीजन है, कहां का कोई कल्चर है, कहाँ की कोई सोसाइटी में जिस तरह की मतलब देयर बिहेवियर्स, देयर वे ऑफ लिविंग एंड देन देयर वेरियस वेज ऑफ कम्युनिकेशंस, एंड इट फॉर्म्स अ सर्टेन इकोसिस्टम देयर, और उसके अंदर से जो ये जो फोक म्यूजिक जो पैदा होता है जस्ट बाय वे ऑफ से समथिंग विच इज डिवोशनल, समथिंग विच इज स्टोरी टेलिंग, इट कुड बी इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो जैसे कि राजस्थान में मांड कहते हैं, विच इज अ वेरी पॉपुलर फोक ट्यून, बट दैट ऑल्सो जो राग मांड है, सॉरी जो मांड फोक ट्यून है, इट इज क्लोजली कनेक्टेड टू द क्लासिकल राग पहाड़ी के आसपास। ओके, नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कनेक्शन दैट a lot of compositions are based on raag khamaj. Now, aisa nahi hai ke the folk people have studied classical music. Yeah, to in fact, classical musicians have studied folk music. Aisa ulta ho sakta hai. So, the natural language of music which has evolved in different areas of our country or even in different areas of the world, that's definitely different. उसमें रिदम भी थोड़ा अलग रहता है, रिदम इज मोर आई से रस्टिक, द मेलोडी इज ऑल्सो मोर रिलेटेड टू अ सर्टन स्टोरी, अ सर्टन थीम, वेर इज क्लासिकल म्यूजिक द
the melody is related to different say moods, different times of the different seasons, different times of the day. It has a certain structure. It has a structure like alap, jhor, jhala, in a very classical and academic way. So that's one of the biggest differences I find. Sir, Kishori Amonkar kaha karti thi ki mujhe raag utarte dikhai dete hain. Matlab main raagon ko dekh pati hu ki raag utarte hain. ऐसी कुछ अनुभूति या इस अनुभूति को आप कैसा समझते हैं, कैसा विस्तार देते हैं? ये इतर है, ये मतलब ये डिफरेंट क्वेश्चन है हेलुसिनेशंस वगैरह से, इससे उनसे हम से नहीं जुड़ेंगे, ये अनुभव का विषय है। तो आपको रागों से कैसा एक कनेक्टिविटी फील होता है, आप कैसा अपने आप को उन रागों के दरमियान पाते हैं, उनसे कनेक्टेड पाते हैं? एक जस्ट रिलेटेड टू दिस आई वुड लाइक टू एक छोटा सा एनेक्डोट है, यानी कि हमारे सामने हुआ है। ये एक बहुत प्रख्यात संगीतकार वोकलिस्ट जो अब नहीं रहे, देवेंद्र गांधर्व साहब जो थे उदयपुर में, ही वॉज सच अ मूडी पर्सन। तो यहाँ के जो रॉयल फैमिली है उन्होंने एक बार प्रोग्राम में बुलाया और शुरू करने के आदेश भी हो गया, एंड ही स्टार्टेड सेट देयर, बैठे बैठे 5 मिनट 10 मिनट कुछ नहीं आवाज, और फिर बोल रहे हैं कि ऊपर से आज्ञा नहीं आ रही है, मैं जा रहा हूँ। तो मतलब इट्स सो पर्सनल, आई मीन, and that event happens to many people, but sometimes what happens is that, see, he is a bold person too, so he was able to do it in front of another bold personality. Uthke chale gaye aur kisi aur ne pura program karna pada. But lekin Mistry sahab, theater mein hame ye gunjaish nahi hoti, hum ऊपर की आज्ञा मिले या ना मिले, करना पड़ता है। तो घंटी बजते ही मंच पर होना होता है। हमारे जैसे कलाकार को भी यही करना पड़ता है, इफ आई हैव टू गो ऑन अ स्टेज, आई डोंट लुक अप देयर, चलो बजाना है तो बजा लेते हैं। बट जैसे किशोरी जी का है, किशोरी ताई जो थी, शी वॉज वेरी मूडी। कई बार कोई प्रोग्राम में के हम काली गाड़ी से नहीं जाएंगे, सफेद गाड़ी मंगवाओ, वो पेड़ सामने है वो कटवाओ, यू नो, सच। बट दीज आर ऑल यू नो पर्सनल थिंग्स, बट वॉट एवर इट इज, दे हैव बीन अमेजिंग म्यूजिशियंस, एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द डीप सेंसिटिविटी दे हैव बीन लाइक, डेफिनेटली, है ना। जोएल साहब, मैं अब थोड़ा एस्थेटिक्स की तरफ रुख करना चाहूंगा। एस्थेटिक्स को आप, एस्थेटिक्स आप पढ़ाते भी रहे, आपने उस पर काफी कुछ लिखा भी है। तो जो एस्थेटिक्स है, जिसको हम सौंदर्य तत्व या सौंदर्य दर्शन कहते हैं, तो उसकी जो तमाम दर्शनाओं को किसी भी चित्राकृति में कैसे पाया जाए, हम किसी भी पेंटिंग में उस एस्थेटिक्स से कैसे साक्षात्कार करें, कैसे हम उससे एकाकार करें, उसको कैसे पाएं, जुएल साहब? देखिए, मैं पिक्टोरियल एस्थेटिक्स की बात तो कर सकता हूं, लेकिन प्योर एस्थेटिक्स की बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वो एस्थेटिक्स नहीं पढ़ाता था, और मैं एस्थेटिक्स के पेपर में बहुत कमजोर भी रहा हूं। जब हम स्टूडेंट थे तब भी हमने किस तरह से पिक्टोरियल एस्थेटिक्स चेंज हुई है टाइम टू टाइम, पूरा वेस्टर्न कोर्स सारा का सारा जो है ग्रीक काल से लेकर और पोस्ट वॉर पीरियड तक, तो देखिए मेजर चेंजेस में जो बड़ा यू टर्न जो आर्ट को मारा है, दिया गया है, वो पिकासो ने दिया। जब उसने ले डिमोसले दिया विग्नोन चित्र बनाया था, उसने फोर्सी कर लिया था कि एक्चुअल में रियलिज्म क्या होता है टू डायमेंशनल सरफेस के ऊपर, और क्यूबिज्म जो आया तो क्यूबिज्म ने इतने रास्ते खोले
केवल पेंटिंग के नहीं, उसने डिजाइन वर्ल्ड के भी रास्ते खोल दिए, उसने विजुअल आर्ट्स के सब तरफ के रास्ते खोल दिए, आर्किटेक्चर के रास्ते खोले बहुत सारे। तो क्यूबिज्म ने जो जो अब उसकी पिक्टोरियल एस्थेटिक्स है, चाहे हम एनालिटिकल क्यूबिज्म की बात करें और फिर उसके बाद में सिंथेटिक क्यूबिज्म की बात करें, सिंथेटिक क्यूबिज्म में आके उन्होंने बहुत क्लियरली साफ कह दिया पिक्चर मेकिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट, वॉट यू वॉन्ट टू कन्वे दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रपोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। तो वो उसने फ्रीडम ली और फ्रीडम के साथ साथ उसने फ्रीडम दे दी कलाकारों को, और उसके बाद में इतनी तेजी से सारे के सारे कला आंदोलन पश्चिमी दुनिया में हुए। हम तो तब अंग्रेजों के अंडर में थे, और अंग्रेजों ने जो चार स्कूल ऑफ आर्ट हमारे यहाँ खोले थे लाहौर में और बम्बई में या मद्रास में और कलकत्ता में, वहां पर हमें तो जो है वो वही आर्ट सिखा रहे थे जो राजाओं को खुश करना था। राजा लोग भी हमारे भूल चुके थे कि हमारी कला क्या थी, उन्होंने भी अपनी चित्रशालाएं बंद कर करके और यूरोपियन आर्ट में बनवाना शुरू कर दिया था। अब देखिए कि ये वहां पर यूरोप के अंदर इतने सारे कला आंदोलन हुए, दोनों विश्व युद्धों के बीच में इतने अलग अलग मूवमेंट्स हुए, उसमें इतनी पिक्टोरियल एस्थेटिक्स चेंज हुई। वहां के लोगों को जब से वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तब से उनको स्कूल पूरे बच्चों से वो म्यूजियम में ले जाकर वहां के देश की कला सिखाई दिखाई जाती है। ऐसे बच्चे जो वहां जाके खेलते हुए नजर आते हैं, मैंने एक बार एक गाइड से प्रश्न टीचर से प्रश्न पूछ भी लिया था एक म्यूजियम में लाटविया में, मैंने कहा इतने छोटे छोटे बच्चे ये क्या कला देखेंगे, क्यों लाते हो आप इन लोगों को। वो बोलने लगी कि मैं आज लाई हूँ, 6 महीने बाद फिर लाऊंगी, और ये नर्सरी के बच्चे हैं, फिर इनको पहली क्लास में भी लाएंगे, दूसरी क्लास में भी लाएंगे, और 10वीं क्लास तक इनको बराबर दिखाएंगे। तो ये आज चित्र को देख भी नहीं रहे, उसको देखना शुरू करेंगे, और देखने के बाद उसको पहचानना शुरू करेंगे, पहचानने के बाद उसका नाम जानना शुरू करेंगे, और फिर वो और कुछ जानना चाहेंगे कि और क्या क्या हो सकता है। तो ये उनको सुविधा है कि वहां पर ये हुआ। हमारे यहाँ अंग्रेजों ने हमको ऐसा बांध रखा था, पहले फ्यूडल सिस्टम ने बांध रखा, फिर अंग्रेजों ने हमको बांध दिया। अब हमारे यहाँ पर जितने भी एजुकेशन के अंदर सिस्टम, एक एजुकेशन का रास्ता म्यूजियम तो क्रिएट ही नहीं हुआ, इधर से हमारी एजुकेशन के अंदर आर्ट को कभी तवज्जो ही नहीं दी कि क्रिएटिविटी भी बहुत जरूरी है। हम मेकालो को दोष देते चले आ रहे, मेकाले का तो बहुत क्लियर कट अपनी एक सोच थी कि मुझे जो है बाबू लोग चाहिए, इनको अंग्रेजी आ जाए तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, ये बाबू लोग अपनी बात आम लोगों तक पहुंचा देंगे। लेकिन एजुकेशन के अंदर उन्होंने जो कुछ भी सिस्टम किया था वो तो पुराना हो गया भैया, अब तो हमारे देश को आजाद हुए 10 साल हो गए कम से कम, तो हम अपनी तरह से जो सोचें, हम अपनी तरह से आज भी नहीं सोच पा रहे हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन, अब देखिए आर्ट की भी कंफ्यूजन की मैं बात करूं आपको, कि स्कूलों में एक समय में 10th क्लास तक आर्ट कंपल्सरी कर दी गई, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना विभत्स है, मैं विभत्स वर्ड यूज कर रहा हूं, कि हमारे यहाँ पर स्कूल में हमारे टीचर्स, हमारी अपने स्टूडेंट, मुझे बड़ी शर्म आती गई बात कि वो इमेज मेकिंग सिखाते हैं बच्चों, बच्चा क्या एक्सप्रेस करना चाहता है उसको फ्रीडम नहीं देते। क्यों ये आर्ट एजुकेशन 10वीं क्लास तक कंपलसरी की थी, जिसमें थिएटर म्यूजिक पेंटिंग सब कुछ था, न तो उसको सरकारों ने सीरियसली लिया, क्योंकि सरकारों को इंजीनियर डॉक्टर्स बनाने हैं, उनको रोबोट्स बनाने हैं, विदेशों में जाएं नौकरी करें पैसा लाएं या भेजें देश को पैसा आता रहे बनाकर। तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो प्योरली मार्केट ओरिएंटेड हो गई है, कैसे हम ऐसे रोबोट तैयार करें जो पैसा लाएं देश में, उनको इंसान बनना नहीं सिखा रहे, और उनके अंदर कुछ सृजनात्मकता है जो हर जगह चाहिए। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ भी हैं, बिना सृजनात्मकता बिना क्रिएटिविटी के आप कुछ भी दूसरा नहीं कर सकते, बस वो लीक जो चला रहा वही करते रहेंगे। हटके तो आप करेंगे जब आप में क्रिएटिव एग्जबरेंस है, और इसके लिए हमें एजुकेशन के लिए हम दोषी आज के लोगों को देंगे, उन लोगों को देने की जरूरत नहीं। मैकाले ने किया होगा, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे एजुकेशनिस्ट क्या कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे। इतनी जबरदस्त आवश्यकता है, अगर ये बच्चे
अगर उनको इतनी फ्रीडम दी जाती और अगर वो बड़े होते होते जो है कलाओं को समझने लगते, तो वो चाहे मैथमेटिशियन बने, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, हर जगह उनमें सृजनात्मकता होती। तो जो पिक्टोरियल एस्थेटिक्स है वो तो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम समझ जाए। बहुत ही सही आपने जो है अभी बहुत सही उसका निष्कर्ष निकाला, बहुत सही एक एक बिंदु पर आप पहुंचे। जो ये रोबोट्स हैं, तो हम पिछले 6 महीनों से देख रहे हैं कि ये सारे रोबोट्स हैं अभी धरे के धरे रह गए, और जो कलाएं हैं वही उसी ने सबका दामन को थामा, सबके दामन को कलाओं ने थामा, कलाओं का दामन सबने थामा, और उससे एक एक लाइफ जो है उसको एक ब्रीदिंग स्पेस मिला, और वो क्रिएटिविटी हम अलग अलग नाम और रूपों में मैनिफेस्ट होती हुई देख रहे हैं, क्योंकि ये अंडर करंट्स हैं। अभी तो जब ये सब कुछ खुलेगा तब हमें मालूम चलेगा कि कितना कुछ इस दरमियान रचा गया, कितना कुछ बुना गया। भानु जी, जो सर से मैं अभी बात कर रहा था एस्थेटिक्स एक्सपीरियंस की, तो भानु जी मैं ये जानना चाह रहा था, एक जिज्ञासा थी कि ये जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस है एज अ होल, ये इंडिविजुअल है सर, या ये एक कलेक्टिव अनुभव है? ये कैसा है, ये क्या एक व्यक्तिगत है, या इस ये सामूहिक हम इसको अनुभव कर सकते हैं? भानु सर, नहीं देखिए, व्यक्तिगत तो है ही जी, और एक व्यक्ति के रूप में मैंने अपने आप को कुछ किस तरह से संस्कारित किया है, किस तरह का मेरा एक्सपोजर है, वो सब चीजें तो है। और जो शायद बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे कि जो हमारा एजुकेशन से जो तात्पर्य है, शिक्षा को हमने इतना वो सीमित और संकुचित कर दिया है, जिसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। लेकिन प्रदर्शनकारी कलाओं में ये सामूहिक होता है। अच्छा, और ये सबसे कठिन परीक्षा होती है एक नर्तक की, एक संगीतज्ञ की, एक मतलब थिएटर में जो अभिनेता हैं उनकी, कि आप तमाम लोगों को एक ऐसे धरातल पर ले आए कि जहां वो सामूहिकता में उस सौंदर्य का साक्षात्कार करें। और ये इसीलिए मैं ये मानता हूं कि प्रदर्शनकारी कलाएं और उसमें भी थिएटर, क्योंकि थिएटर एक सामूहिक अपने आप में अपने मिजाज में सामूहिकता लिए हुए है, वो एक एकांक एकाकी अभिव्यक्ति नहीं है, उस वो बहुत बड़ी साधना है। इसीलिए नाट्यशास्त्र में अभिनेता को योगी की संज्ञा दी गई। तो मतलब ये बहुत बड़ी साधना है, और जब हम इसमें जितना उतरते जाते हैं उतना लगता है कि अभी तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ। भानु जी, आपने कई नाटक किए, कई नाटक लिखे, और एक लंबा एक समय बीत गया। आपने गांधी को भी अपने तरीके से एक्सप्लोर किया, नंदकिशोर जी के नाटकों को आपने आपने खेला, आपने उनको उनको एक 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 अलग भाषा दी, एक एक हम कहेंगे कि एक एक्शन की भाषा दी। तो गांधी को आपने कैसे पाया, और आप इस पूरी जो हमारे कलाकारों की जमात है या जितने भी जो लोग हैं जो आर्ट से रिलेटेड हैं, वहां पर आप गांधी की उपस्थिति को कैसा मानते हैं, या उस पूरे उसको उसको एक तत्व के रूप में कैसा देखते हैं? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि बाय द वे ये हुआ है कि लोग 20वीं शताब्दी का अंत आते आते और 21वीं शताब्दी में तो गांधी को जबरदस्त तरीके से याद करने लगे, और जैसे जैसे हमारे हमारी दुनिया का संकट गहराता जा रहा है, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, हर हर स्तर पर, और आज जब ये मतलब एक मानवीय उपस्थिति के सामने गहरा संकट
हमें सामने नजर आ रहा है और लग रहा है कि जैसे आदमी का जीवन इस प्लैनेट पे खत्म होने जा रहा है। ये कुछ लोग तो घोषणा कर रहे हैं कि ये 21वीं सदी हमारी हमारी उपस्थिति की इस प्लैनेट पर आखिरी सदी है, इसके बाद मानवीय जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा, या मानव अगर जिंदा रहा भी तो मानव ना होकर के कुछ और किसी और उसमें तब्दील हो जाएगा। इस सारे उसके बीच गांधी पर फिर दोबारा से न सिर्फ कलाओं में बल्कि राजनीति और समाजशास्त्री और तमाम लोगों की नजर गांधी पर पड़ रही। मैं फिर से चोयल साहब के पास जाना चाहूंगा। चोयल साहब, ऐसी कौन सी इंस्पिरेशंस हैं, ऐसी कौन सी इंस्पिरेशंस हैं जो आपको चित्र बनाने की तरफ धकेलती हैं? और अगर मैं प्रभाकर बर्वे के शब्दों में पूछूं तो चित्रकार चित्र क्यों बनाना चाहता है? चोयल साहब, चित्र क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि कुछ कहना चाहता है। प्रेरणाएं है, ऐसी कौन सी इंस्पिरेशन है, एस्पिरेशन है जो उसको उसको प्रवोक करती है कि भाई आप पेंटिंग क्यों करते हैं? अगर इस पे हम बात करें तो क्या आप उसको समझाएंगे? देखिए, इसमें ये सवाल सर आपसे है, लेकिन ये एक 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 बहुत एक होलिस्टिक सवाल है जो जिसकी कड़ियां अगर जुड़ेंगी तो हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चोयल साहब का शायद फ्री शायद कुछ कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया है, तो भार्गव साहब आपसे मैं बात करना चाहूंगा। आप हमारे स्क्रीन के सामने हैं, आपसे हम मुखातिब हैं। जो संगीत है, जो म्यूजिक है, वो एक एक उसको हम मानते हैं कि जी एब्स्ट्रैक्शन की एक हाईएस्ट एक सीमा है, एक हाईएस्ट उसका एक पायदान है, एक सोपान है। मैं खुद एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूं, तो लेकिन हमें ये लगता है जी कि जी एब्स्ट्रैक्शन पेंटिंग में नहीं है साहब, सिनेमा में नहीं है, थिएटर में नहीं है, वहां पर उपस्थित है वो, लेकिन उसकी जो सर्वोच्च अवस्था है उसको अगर जानना है तो संगीत के पास में हमें जाना पड़ेगा। तो संगीत में एब्स्ट्रैक्शन और डिजाइन में एब्स्ट्रैक्शन, मतलब एक विजुअल आर्ट में एब्स्ट्रैक्शन, उनके दोनों के तालमेल को आप कैसा जानते हैं? एब्स्ट्रैक्शन इन म्यूजिक, एब्स्ट्रैक्शन इन विजुअल पेंटिंग और स्कल्पचर, इन आर्किटेक्चर। ज्यादातर मैं शायद डिजाइन के बारे में करूंगा, बिकॉज डिजाइन इज अप्लाइड आर्ट्स, आई मीन समथिंग व्हिच हैज अ यूटिलिटी। इट इज आर्ट्स बट विद सम यूटिलिटी, इट हैज अ फंक्शन। सो इफ यू से दैट अ डिजाइन इज एब्स्ट्रैक्ट, दिस फॉर्म ऑफ डिजाइन इज रियली एब्स्ट्रैक्ट, तो वो जो उसकी एब्स्ट्रैक्टनेस है, अगर उसको फंक्शन करना है, कुछ काम करना है, तो वो जो एब्स्ट्रैक्टनेस है वो उसके मेनली उसके फॉर्म में चले जाएगा कि इसका जो शेप है, मानो कोई बिल्कुल नई तरह की कोई पेन आई, सम टोटली, बट इट डज नॉट लुक लाइक अ नॉर्मल पेन, इट लुक्स समथिंग वेरी डिफरेंट, बट इट्स फंक्शन इज टू राइट, देन यू कैन से इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन बट विद द सेम फंक्शन। बट इफ देर इज नो फंक्शन, इफ इट इज से इट्स फंक्शन इज जस्ट टू बी अ विजुअल आर्टिफैक्ट इन सम स्पेस, और इफ इट इज अ पेंटिंग, वहां एब्स्ट्रैक्टनेस कैन हैव अ मच वाइडर, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, कि वो जो नॉर्मल फॉर्म्स से जो हम विच वी आर यू नो यूज टू इन रियलिस्टिक आर्ट, और से दैट एब्स्ट्रैक्टनेस इज जस्ट वॉट द माइंड ऑफ द पेंटर और द आर्टिस्ट थिंक्स। आई मीन दिस इज माई पर्सनल फीलिंग। संगीत में अगर एब्स्ट्रैक्ट म्यूजिक क्या है, अगर उसके बारे में हम चर्चा करें, आई हैव never understood the concept of abstract music, because music is basically arranging a sound designing of different sounds, putting them together in a structure.
which is conceived by the listener and which is appealing. अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट म्यूजिक हो, मानो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यू नो देर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जो जो व्हेल मच्छी होती है ना, बड़ी द बिगेस्ट फिश इन द ओशन, उसकी जो आवाज है वो जो जिस तरह कम्युनिकेट करती है, इट्स अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी साउंड, एक आपको लगेगा बहुत गहरा एक बेस साउंड कुछ धीरे धीरे आ रहा है। अभी वही साउंड को हमने 50 गुना हाई स्पीड करके बजाया, दैट साउंड साउंड्स एग्जैक्टली लाइक द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, इसी जो ट्वीटिंग एंड चर्प्स जो होती है, सो इट्स सो इंटरकनेक्टेड इवन इन फ्रॉम द स्पेक्ट्रम इज सो वाइड फ्रॉम द डीप ओशंस टू द स्काइज, बट सेम साउंड प्लेड एट डिफरेंट स्पीड्स। फॉर ए ह्यूमन बीइंग अपनी जो रेंज है इट इज विद इन से 20 to 20,000 हर्ट्ज, मतलब जो साइकल्स पर सेकेंड की बात करें, एनीथिंग विच इज बिलो दैट और अबव दैट इज इनऑडिबल, बट एनीथिंग विच इज अरेंज्ड इन सच अ वे के वो उसमें समझ नहीं आती, उसका फॉर्म क्या है वो समझ में नहीं आया, आई विल कॉल दैट एब्स्ट्रैक्ट म्यूजिक। एंड आई थिंक देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट म्यूजिक, लाइक समटाइम्स यू गेट अ सर्टन रिंग टोन विच इज नॉट बेस्ड ऑन अ सर्टन थिंग, कुछ भी आवाज आ जाती है, बट इट्स साउंड टू अलर्ट यू। At least this is my understanding of abstract music and abstract design. नहीं, बहुत सुंदर आपने जो अभी उदाहरण दिया व्हेल का और जो चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स है, उन दोनों के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है, मुझे याद आता है कि 20-22 बरस पहले अशोक रानाडे साहब ने हमको एक बार ऐसे ही कुछ म्यूजिक सुनाए थे, उन म्यूजिक से मुखातिब किया था। तो ये एक बहुत ही पिछले स्मृतियों में आप ले गए, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं हमारे दोनों जो वक्ता हैं आपके अलावा जो हैं भानु भारती साहब और शैल चोयल जी, जो कि चित्रकला से आते हैं, थिएटर से भानु जी हैं, आप दोनों का भी मैं तहे दिल से और हमारे सभी दर्शकों की ओर से और इस पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूं, आपको धन्यवाद कन्वे करता हूं। और ये तो बातों का सिलसिला है और निरंतर सीखने की एक प्रक्रिया है। हमने बहुत से विषयों को खोला, हमने विचारों के भीतर जाने की कोशिश की, और एक ये बड़ा समुद्र है जिसमें हम भीतर गोता लगाएंगे और फिर से आपका दामन थामेंगे, आपकी उंगली पकड़ के हमको अभी बहुत कुछ सीखना है, तो ये जारी रहेगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पे आए और इस कठिन समय में आपने कलाओं के मार्फत सबको हील किया, अपनी अपने अपने थॉट्स के मार्फत सबको हील किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद अमित जी, सिटी लाइफ, धन्यवाद भानु साहब, चौल साहब, इट्स बीन सो नाइस टू हैव कनेक्टेड टुगेदर, एंड न तो ऐसी बातें नहीं होती। Thank you. Right. Bye. All right. Shall we disconnect? Live, a platform to sharing your thoughts.